हेलो गाइस, व्हाट्स अप। मॉर्निंग का टाइम है और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है गाइस कि हमारे मिट्ठू मियाँ वापस आ गए, जो कि बहुत ही रेयर होता है कि तोते अगर आपके उड़ जाते हैं तो वापस आते हैं। लेकिन मेरा मिट्ठू उड़ा और पूरे 24 घंटे बाद शाम के टाइम अपने आप घर पे आ गया गाइस, तो बहुत खुशी की बात है। और उसका मैं वीडियो शॉर्ट डाला हुआ हूँ यूट्यूब पर, आप देखिए गाइस। और चलिए दिखाते हैं बाकी बच्चों से, सब सुबह का टाइम है, सब खाने पीने मगन है गाइस। ये देखिए चिकू, डकी, गिनी सब अपना खाने पीने में मगन है, सब खा पी रहे हैं, मस्त हैं गाइस। और देखिए डकी घूम घूम के मक्खियों को खा रही है, चिकू मेरे पास आ रहे हैं कुछ और खाने की तलाश में। और देखिए छोटू चिकी यहाँ देख कूद कूद के चावल खा रही हैं। और देखिए हमारे छोटू जो हैं वहाँ पे खा रहे हैं, पूड़ी मिला है खाने के लिए उनको ऊपर से, तो वो पूड़ी खा रहे हैं। और चिकी वहाँ घूम फिर रही है, और डकी भी घूम घूम के रोटी देखिए दिया गया जो कि पानी में गीले हो गए हैं, तो उनको खाने में सुविधा हो रही है गाइस, तो खाए रोटी। और आज मैं लाऊंगा अपने चिकी मिकी के लिए, वो जो फूड आता है जो मुर्गियों के लिए दुकान मिलते हैं गाइस, वो मैं फूड लाऊंगा। उन लोगों को आज मैं फूड खिलाऊंगा क्योंकि उन लोग का विकास बहुत तेज़ी से नहीं हो रहा है, तो उन लोग को फूड खिलाना है जैसे कि उन लोग का विकास ज़्यादा तेज़ से हो गाइस। और डकी का विकास भी अच्छा हो रहा है क्योंकि डकी बहुत सब कुछ खा जा रहे हैं, तो इनके विकास में दिक्कत नहीं है गाइस, इनका विकास बहुत तेज़ हो रहा है, इनका विकास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गाइस। देख सकते हैं आज कितने बड़े बड़े थे। अब गाइस आप शुरू से हमारे वीडियो को देखेंगे या हमारे शॉर्ट्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने बड़े थे हमारे चिकू मिकू और कितने बड़े थे हमारे छोटू। ये छोटू देखिए ये सामने है, ये छोटू है, कितने बड़े हो गए हैं। और कितने बड़े थे हमारे चिकू, और गिनी हमारी कितनी बड़ी थी, और डकी हमारी कितने बड़े थे गाइस, सब आपको दिखेगा। और हमारे छोटू गंडकी देखिए खड़े होकर देख रहे हैं खाने के लिए क्या खाना मिल रहा है उनको। और ये देखिए हमारे बाकी चिकू मिकू डकी सब एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं गाइस। थोड़ा सा अभी मैं कुछ देर बाद जाऊंगा इन लोगों के लिए, घास लेके आऊंगा थोड़ा सा इन लोगों के रूम की साफ़ सफाई करने के बाद गाइस। और ये देखिए चिकी अपना घूम फिर रही है और मेरे पास आएंगी और खाना मांगेंगी। और ये देखिए डकी अपना लगी हुई है, घूम फिर के आ रही है, रोटी के टुकड़े लगे हुए हैं और उनको खा रही हैं गाइस। ये देखिए दौड़ दौड़ के अक्खी मक्खी सब खा जा रहे हैं लोग। ये देखिए चावल खा रहे हैं, रोटी दिया गया है, रोटी खा रहे हैं गाइस। डकी को देखिए खाने की कमी नहीं है, मक्खी भी खा जा रही है। ये देखिए हमारे मेल फीमेल डकी हैं, इनका वीडियो भी देखिए गाइस, इतने बड़े बड़े थे जब मैं इनको लाया था, इतने बड़े बड़े मेरे उंगली इतने बड़े थे बस। और आज देखिए आधे आधे किलो किससे कम के वेट के नहीं है हमारे डकी, मुझको देख रहे हैं कि खाने में मैं कुछ लाया हूँ कि नहीं लाया हूँ, आके इनके हाथ से मैं छीनू गाइस। ये देखिए आ रहे हैं पास में, ये देखिए। और छोटू भी अपना कूद कूद के कुछ ना कुछ देख रहे हैं। और देखिए चिकी और मिकी यहाँ पे देखिए अपना खाना पीना खोज रही हैं, खा रही हैं। और यहाँ पे मक्खियाँ भी भन भन बना रही हैं गाइस, आप देख रहे हैं। ये देखिए गाइस डकियों का। और नीचे चलूँगा गाइस तो मैं आपको दिखाऊंगा अपने मिठू को जो कि उड़ गए थे कल परसों सुबह 7 बजे उड़े थे गाइस, और कल जाके शाम के 5 बजे अपने आप वो घर पे आ गए। बहुत खुशी की बात है, जबकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि मिठू उड़ के बहुत दूर चले गए थे, फिर भी पता नहीं कैसे वो अपना रास्ता खोज के वापस आ गए। तो अभी कुछ देर बाद मैं आपको मिठू से भी मिलाऊँगा। और इधर देखिए बाकी लोग अपना मक्खी सक्की है, देखिए कूद कूद के इनके तरीकों को देखिएगा गाइस, तो बहुत ही सुकून मिलेगा। इनके कूदने का तरीका देखिएगा, ये देखिए इनके खाने का देखिए, देखिए उड़ उड़ के खा रही मक्खियों को, उड़ के पकड़ रही चिक्की हमारी, ये हाल है गाइस देखिए। और देखिए छोटू जाके ऊपर बैठ गए हैं और मिक्कू नीचे, और गिनी भी वहाँ पे हैं गाइस, अपना घूम फिर रहे हैं, खा पी रही हैं। और थोड़ा सा इनके रूम की साफ़ सफाई कर देते हैं फिर चलते हैं, आपको मिलवाते हैं नीचे अपने मिठू मियाँ से।